हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट के प्रोपागेशन के बारे में कि स्पाइडर प्लांट को हम किस तरीके से प्रोपागेट कर सकते हैं, एक प्लांट से कैसे कई सारे हेल्दी प्लांट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो मदर प्लांट है ये भी मैंने लास्ट ईयर प्रोपागेट ही किया था। फ्रेंड्स, फरवरी और मार्च के महीने में इस स्पाइडर प्लांट पर छोटे छोटे इस तरीके के बेबी स्पाइडर प्लांट आते हैं और छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं इस पर, और धीरे धीरे ये बेबी स्पाइडर प्लांट इसी स्टिक पे बड़े होने लगते हैं। ये देखिए, इस तरह के कई सारे रनर्स इस पर होते हैं। इन्हीं रनर्स से हमारा स्पाइडर प्लांट मल्टीप्लाई होता रहता है। ये जो रनर्स निकलते हैं इसके साथ ही मैंने इस गमले में इसको लगा दिया था। जब ये लगा मुझे कि ये मेरा अच्छे से चल गया है, तब मैंने इसकी कट कर दी पाइप, जैसे कि एम्बिलिकल कॉर्ड को कर देते। इस पाइप से ही इनको फूड मिलता रहता है और ये हेल्दी बने रहते हैं। तो आप जब शावर करें, इस पर स्प्रे करें, तो इन रनर्स पे भी स्प्रे करते रहें, इससे इनकी फूड सप्लाई पूरी होती रहती है। इस प्लांट से ऊपर से वाटर मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको दिखाती हूँ मैं कि आपको ये रनर लगाना कैसे है। यहाँ ये बेबी स्पाइडर प्लांट है और मुझे एक पॉट लेना है जो इसकी हाइट पर हो, और उसको इस तरीके से रख के थोड़ा सा मिड में हल्का सा गड्ढा करेंगे। पॉटिंग मिक्स वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे रख के हल्का सा दबाएंगे, चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे। और ये मूव ना हो इसके लिए बीच में मैं ये पिन, देखिए कुछ इस तरीके से इस कॉर्ड को दबा दूँगी, इससे ये प्लांट फिक्स हो जाएगा। और इसको आप 20 दिन के बाद या एक महीने बाद चेक करके देखिए, जब बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो गई होगी और आपका एक बड़ा अच्छे से हेल्दी स्पाइडर प्लांट तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बाकी का अपडेट दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, 20 डेज पहले इस बेबी स्पाइडर प्लांट को मैंने इस पॉट में लगाया था और आज हम देखेंगे इसका रूटिंग अपडेट। फ्रेंड्स, मैंने देखिए अपने पॉट को ज़्यादा ऊँचा उठाया और इसकी ये यहाँ से फूड पाइप टूट गई है। तो चलो, अब जब ये सेपरेट हो गए तो मैं आराम से इनको सेपरेट करके आपको दिखा सकती हूँ। साथ में फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बेहतरीन रूट्स आई हैं इसमें। और एक तरीका तो फ्रेंड्स आपने ये देख लिया कि हमारी जो इसमें इस तरह के रनर निकलते हैं, ये वाले जो रनर निकलते हैं, हम इसको जैसे मैंने इसको इस पाइप के साथ ही इसको लगा दिया तो मेरा एक हेल्दी सा प्लांट तैयार हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा है इसकी रूट डिवीज़न। अब इस एक ही प्लांट में कितने सारे प्लांट हैं, देखिए एक ये सेपरेट है, एक ये सेपरेट है, और एक छोटे छोटे तो बहुत सारे, एक यहाँ सेपरेट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको बीच में से अलग कर सकते हैं, इसकी रूट सहित इसको अलग कर दीजिए और इतना हिस्सा अलग पॉट में लगा दीजिए और इतना हिस्सा अलग पॉट पे लगा दीजिए, तो एक साथ कितने सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा अभी नहीं करूँगी, तो मैं फ्रेंड्स इसको वापस लगा रही हूँ। कुछ बेबी स्पाइडर प्लांट मैंने इसी पॉट में साइड से लगा दिए थे और उनका भी रूटिंग अपडेट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए रूट्स, अगर आप पहले ही काट देंगे, बाद में अगर पप लगाएंगे तो ये डेड हो जाता है, इतने अच्छे से नहीं है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसे मैं पॉट में लगा देती हूँ। इसे मैंने अपना सॉइल मिक्सचर इसमें डाल दिया है और एक छोटा सा होल ताकि इसकी रूट आराम से अंदर चली जाए, डैमेज ना हो। और बहुत हल्का हल्का हमें इसे मिट्टी को दबाना है, लाइट, ज़्यादा टाइट नहीं करना है और हल्की सी बात है। हो गया आपका एक प्लांट तैयार। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमने कितने जल्दी दो हेल्दी प्लांट्स तैयार कर लिए, और एक प्लांट ये भी रह गया, इसको भी मैं लगा दूंगी।
और बाकी भी मेरे तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से अपने स्पाइडर प्लांट को प्रोपागेट कीजिए और एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट बनाइए। बहुत खूबसूरत लगते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं, और साथ में अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो गिफ्ट कीजिए। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लगी है अच्छी, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।